तो देख रहे हैं ये होता है जाइंट प्लेटलेट। जाइंट प्लेटलेट की पहचान ऐसे की जाती है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो आप जैसे देख सकते हैं, इसके पहले मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि प्लेटलेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जाइंट प्लेटलेट हमें कैसे दिखता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जाइंट प्लेटलेट। एक्चुअली जब जाइंट प्लेटलेट होता है तो उसमें ये होता है कि प्लेटलेट तो एडिक्वेट रहते हैं, लेकिन हमें मशीन पे कम दिखाता है। जब भी आप मशीन काउंट करोगे तो उसमें आपको प्लेटलेट का जो रेंज होगा वो कम दिखाई देगा, लेकिन जब स्लाइड पे आप माइक्रोस्कोपी करोगे तो आपको एडिक्वेट दिखेंगे। तो उसको बोलते हैं हम जाइंट प्लेटलेट। जाइंट प्लेटलेट मतलब ये जो सर्कल में आप जो ये देख रहे हो, जो भी सर्कल दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा जो ब्लू कलर का है, ये होता है जाइंट प्लेटलेट। जैसे ये देख सकते हो काफ़ी सारे बड़े बड़े जो दिख रहे हैं, यानी कि जो भी प्लेटलेट है एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं और चिपक के एक बड़े बड़े प्लेटलेट का क्लम्प, प्लेटलेट का एक गत्ता बनाया हुआ है, जिसको बोलते हैं जाइंट प्लेटलेट। ये देख सकते हो ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसमें बहुत सारे प्लेटलेट एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। जब प्लेटलेट एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं तो उस कंडीशन में मशीन हमें प्लेटलेट का जो रेंज होता है वो कम दिखाता है और हमें लगता है कि प्लेटलेट उसका लो है, लेकिन एक्चुअली में प्लेटलेट लो नहीं रहता, प्लेटलेट एडिक्वेट रहता है। इसलिए उसको माइक्रोस्कोपी के द्वारा हमें क्लियर करना पड़ता है कि हाँ ये प्लेटलेट एडिक्वेट है या एक्चुअली में कम है। तो उसको जाइंट प्लेटलेट बोलते हैं। पहले आज आप ये सीख लो कि हाँ जाइंट प्लेटलेट कैसे पहचाना जाता है। जो भी सर्कल के अंदर आप लोग जो देख रहे हो ये बड़े बड़े ब्लू कलर का, ये होता है जाइंट प्लेटलेट, क्योंकि एक्चुअली जो प्लेटलेट का जो जो आकार होता है वो इससे छोटा होता है, लेकिन जब प्लेटलेट एक दूसरे के साथ काफ़ी सारे जुड़ जाते हैं तो वो जाइंट प्लेटलेट हो जाते हैं और थोड़ा बड़ा बड़ा हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों जाइंट प्लेटलेट बढ़ जाता है, जाइंट प्लेटलेट ऐसा क्यों हो जाता है, या अगर आप मशीन का जो पेपर आता है, स्ट्रिप आता है, उसमें कौन सा ऐसा वैल्यू आप देखो जिसके आधार पर आपको ये पता चला है कि इसमें जाइंट प्लेटलेट है और एक्चुअली में अगर लो दिखा रहा है मशीन प्लेटलेट तो वो एडिक्वेट हो सकता है, कैसे ऐसा क्या ट्रिक है। तो एक उसमें ऐसे वैल्यू आते हैं जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहो। और इस स्लाइड में बहुत सारे ऐसे जाइंट प्लेट देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये प्लेटलेट जो है एडिक्वेट है, यानी कि जो नॉर्मल है प्लेटलेट, लेकिन मशीन में हमको कम दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, सीखने को कुछ मिला हो। नीचे आप कमेंट में कमेंट जाके कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ से हम डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना मत भूलना, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में सेम इसी टॉपिक के साथ और कुछ जानकारियाँ लेके।